कबीर, आप साउथ इंडियन सिनेमा में भी आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी समय से है. यू हैव डन अ लॉट ऑफ फिल्म्स देयर आल्सो. सो यू नो वन थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू इज दैट हमेशा से ही वी हैव सीन दैट बॉलीवुड में बहुत सारी साउथ फिल्मों का रीमेक बनता आया है. रिसेंटली राधे का भी ट्रेलर आया, सलमान खान फिल्म, बिग बजट फिल्म. बट व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू इज दैट डू यू थिंक कि साउथ इंडियन फिल्म्स की जो एक ओरिजिनलिटी होती है व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्ट्स एंड रिप्रेजेंटेशन आल्सो कहानी की, तो जब वो हिंदी में बनती है तो इट्स यू नो वो जस्टिफाई होता है. लाइक इवन व्हेन वी टॉक अबाउट राधे, डिड यू हैव यू बीन एबल टू वॉच द ट्रेलर? क्या है उस पर आपका टेक? सी अभी टाइम इज चेंजिंग नाउ. अभी सी सिनेमा हैज नो बैरियर्स. पहले क्या साउथ की फिल्में बनती थी, अभी क्या बॉलीवुड की और ये मल्टी स्टारर फिल्में बन रही हैं. ऐसा जैसे आप कबीर सिंह उठा के देख लो, कबीर सिंह का फ्रेम बाय फ्रेम इट्स सेम डायरेक्टर एंड फ्रेम बाय फ्रेम इज सेम सीन्स, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. एंड आफ्टर दैट शाहिद इज डूइंग जर्सी, सो इट्स आल्सो नानीज फिल्म्स. आई हैव डन सम 22 फिल्म्स इन तेलुगु एंड सम 41 फिल्म्स इन तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ा. सो अभी वो चीज नहीं है, टाइम बदल रहा है. सब लोग यहाँ से वहाँ काम कर रहे हैं, वहां से यहाँ काम कर रहे हैं. विजय सेतुपति इज डूइंग 2 फिल्म्स एंड ऑफ कोर्स राधे. I see सलमान भाई का, you know, it's सलमान भाई फिल्म, so of course वो स्टाइल, वो जो एटीट्यूड है उनका, वो nobody can copy him and I love that trailer. ऐसा नहीं है कि नहीं है. Randeep is one of the very fabulous actors. Randeep is part of that film and so you know how सलमान भाई films are, action and you know style. So I'm looking forward for this film and see अभी जैसे मेरी जिल मूवी रिलीज हुई थी 2015 में. आई थिंक उससे पहले वो जो डबिंग वाला सिस्टम था वो नहीं था. सो पहले इतना डबिंग का सिस्टम नहीं था. राइट नाउ इफ वी हैव 25 चैनल्स, हिंदी चैनल्स, सो उसमें आप यू कैन स्विच ऑन करो, आपको हिंदी की आप डबिंग वाली फिल्में देखने को मिलेंगे. आप आजकल इतनी फिल्में हो गई हैं साउथ की. सी दे वांट टू सी, एक तो कॉमेडी बहुत अच्छा होता है उसमें, एक्शन बहुत अच्छा होता है, स्क्रिप्ट्स आर रियली गुड. सो अभी वो नहीं है कि यार साउथ है, बॉलीवुड है, दे मल्टी स्टारर फिल्में बन रही हैं. प्रभास यहाँ काम कर रहे हैं एंड यू नो शाहरुख खान वहाँ काम कर रहे हैं. सलमान भी यू नो ही इज डूइंग गेस्ट अपीयरेंस इन द फिल्म्स एंड सो सुनील शेट्टी सर वहाँ पर एज अ विलन कर रहे हैं, नील नितिन मुकेश एंड विवेक ओबरॉय. सो अभी क्या है कि सिनेमा एक इंडिया का सिनेमा है. दिस इज नॉट कि हम इसको डिवाइड कर दें. जैसे बाहुबली वाज अ पैन इंडिया फिल्म, सो वो उसने इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड में ले जाए खड़ा कर दिया. It was a highly budgeted film and कितनी बड़ी हिट हुई थी वो. After that KGF came, then last year my Pehlwan came. Pehlwan made in 6 languages. So अभी वक्त बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं. I'm sure ये एक हो जाएगा सिनेमा कुछ टाइम के बाद. So सब लोग काम करेंगे, अल्लू अर्जुन भी यहाँ काम करेंगे, सब लोग मिलके काम करेंगे. So that's good यार, लोग काम कर रहे हैं. अगला सवाल आपसे शायद यही होने वाला था कि when you see सलमान खान and राधे and then when you see अल्लू अर्जुन, तो यू नो आज भी जब उनके गाने आए हैं नए दो, तो पीपल एक्चुअली सोशल मीडिया नाउ इज अ बिग थिंग. तो लोग एक्चुअली कंपेयर करते हैं, सेम स्टिल्स डाल के, विजुअल्स डाल के. तो आपने कभी वो यू नो इमेजिन किया है कि अल्लू अर्जुन का जो डिपिक्शन था एंड देन सलमान खान का राधे में जो डिपिक्शन है? सी सीटी मार वाज अ बिग हिट इन अल्लू अर्जुन करियर, अल्लू सर's करियर. सो सी उनका ही इज अ फैंटाबुलस एक्टर. सो आलू सर का अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट है, उनका अलग स्टाइल स्टेटमेंट है डांस करने का. ही इज अ फैबुलस डांसर, ही इज अ फैबुलस एक्टर, एक्शन बहुत अच्छा करते हैं सर. एंड सलमान भाई का अपना एक अलग एक वो स्टाइल है, यू नो उनका एक स्टाइल स्टेटमेंट डांस करने का, जैसे वो टी शर्ट मुंह पे रख के डांस कर रहे हैं. सो दोनों को अपना मैं नहीं देखता, मैं कभी कंपेयर नहीं करता हूँ कि यार इसने कैसे किया, उसने कैसे किया. सी दैट्स सलमान भाई ने अगर काम किया तो जल्दी उन्होंने पूरा 100% दिया होगा. आलू अर्जुन अपनी तरीके से करता था. दोनों का स्टाइल डिफरेंट है, दोनों की पहुंच डिफरेंट है.